कॉलेज मैनेजमेंट को लेकर हुआ बवाल, मारपीट। सिंहारा आज क्षेत्र के ग्राम मुकरपुरी में स्थित जनता इंटर कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आज मैनेजमेंट को लेकर आयोजित होने वाली प्रबंधक को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग से पहले ही कॉलेज परिसर में हंगामा व मारपीट हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संभाला। घटना की तहरीर व जानकारी देते हुए वीरेंद्र सिंह पुत्र जराज सिंह ने बताया कि वो आज सुबह 8 बजे जनता इंटर कॉलेज में आम सभा में जा रहा था कि रास्ते में दुर्गा सिंह पुत्र थानी सिंह दिनेश, सुरेंद्र विजयपाल सिंह पुत्रगण राम सिंह ने मीटिंग में ना जाने की नसीहत दी। ना मानने पर उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की। घटना की ज्यादा जानकारी देते हुए मौजूदा प्रबंध विकास चौहान ने बताया कि उनको हटाने के लिए आज अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग जारी की गई, जबकि इस मीटिंग की आम सूचना नहीं थी। जब इस बाबत जानकारी वो कॉलेज गए तो उनके साथ मारपीट की गई, जबकि बोर्ड की मीटिंग के ज्यादातर सदस्य विकास चौहान के पक्ष में हैं। घटना के बाद कॉलेज व गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दूसरा पक्ष भी अपने को चोटिल बता रहा कॉलेज है। मुकरपुरी में जो सुबह विवाद हुआ है, ये किस बात को लेकर विवाद हुआ है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, ये इस बारे में हुआ कि जो साधारण सभा की मीटिंग होनी थी उसमें मैं भी देखने जा रहा था साधारण सभा की मीटिंग में। अब इन लोगों ने मुझ पर डंडो से बात किया, फिर मुझे गिरा दिया और गिराने के बाद इन्होंने गुस्से से मुक्कों से मुझे मारा। ये लोग हैं दुर्गा सिंह, सनूप थानी सिंह, फिर दुर्गा सिंह के भतीजे हैं चार, एक संजय, एक नरेंद्र, नरेंद्र दिनेश, सुरेंद्र और एक विजयपाल, सनूप राम सिंह। इन लोगों ने मुझे पांचों ने दुर्गा सिंह और इन्होंने सबने मिलकर मारा, लात घूसे से मारा जब मैं गिर गया। वहां पे किस चीज की मीटिंग चल रही थी? वहां पे मीटिंग साधारण सभा की मीटिंग थी, जो मतलब जनरल मेंबर हैं उनकी मीटिंग थी। अविश्वास प्रस्ताव पास की लेकर उसमें विवाद भी हुआ है, और ये क्या दूसरी जो पार्टी कह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है, प्रबंधक जी बताएगी ये अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है या नहीं हुआ है? 24 तारीख को मुझे सूचना मिली कि इस तरह की कोई मीटिंग स्कूल में होने वाली साधारण होगी। साधारण सभा की मीटिंग का ये होता है कि डाक द्वारा जितने भी कमेटी के मेंबर हैं साधारण सभा के, उन्हें एजेंडा भेजा जाता है और 10 दिन पहले भेजा जाता है और सबके साइन कराए जाते हैं अगर डाक द्वारा नहीं भेजा। लेकिन मेरे जितने भी जानने वाले थे सुबह, मेरे पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे बताया तो मैं आ गया। यहाँ पे सुबह मैं जब गया वहाँ पे स्कूल में तो मैंने उस पे देखा कि वहाँ पे कुछ लोग ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई और वहाँ पे वो कार्रवाई रुकी। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख के दिया ये बात कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, कृपया इसे निरस्त किया जाए। लगभग कितने आदमी ने आपको लिख के दे दिया? करीबन 100 लोगों के करीब ने लोग लिख के दिया है कि ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए, जिसमें 80 के करीब मेरे पास लिस्ट आ गई है, बाकी अभी आ रही है और ये मीटिंग अमान्य घोषित की जाएगी। इसमें लगभग कितने वोटर हैं? इसमें 173 वोट हैं टोटल, जिसमें से सबके पास एजेंडा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी के पास इन्फॉर्मेशन थी, उनके जो अपने जानने वाले थे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, बाकी किसी को दी ही नहीं थी, ठीक। तो ये अविश्वास पास नहीं हो सकता।